हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल माय व्यूअर्स आज गणेश चतुर्थी है तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा बनाया जाए तो इसलिए आज मैंने ड्राई फ्रूट से ये लड्डू बनाए हैं और इनमें मैंने कोई भी चीनी या गुड़ कुछ यूज़ नहीं किया है तो देखिए मैंने कैसे बनाया है इन लड्डुओं को सबसे पहले तो मैं भोग लगाऊंगी हमारे पप्पा को और उसके बाद ही हम इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे इनको बनाने के लिए मैंने लिया है ड्राइड फिक्स तो ड्राइड फिक्स जो बहुत ही हेल्दी एक ड्राई uh, फ्रूट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें डाइट्री फाइबर होता है इसीलिए हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है तो हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है दांतों के लिए अच्छा है ड्राई फ्रिक्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है क्योंकि इसमें हाई शुगर कंटेंट है तो इसीलिए मैं चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एंटी भी है और इसका जो ग्लाइसमिक इंडेक्स है वो भी बहुत ही कम है और बहुत सारे गुण इसमें भरे हुए हैं तो इनमें थोड़ी सी गंदगी लगी रहती है तो इसीलिए मैंने क्या किया पानी को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था और इसको मैं अभी आधे घंटे तक इस बॉयल वाटर में रख दूँगी तो ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनमें जितनी भी गंदगी लगी रहेगी ना वो हम उसको फेंक देंगे तो जब तक हमारे फिक्स सॉफ्ट होएंगे तब तक हम हम दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने मुट्ठी भर बादाम ले लिया साथ ही साथ मैंने मुट्ठी भर काजू लिया है ये है चिरौंजी और आधा मैंने कोपरा लिया है नारियल सूखा नारियल लिया है डेसिको डेसिकेटेड कोकोनट भी आप ले सकते हैं ये है डेट्स ये बहुत ही फ्लैशी है और ये है पॉपी सीड्स इसको खसखस -खस भी बोलते हैं ये भी बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही साथ मैंने वॉलनट्स भी लिया है मुट्ठी भर तो इन सबको मैं चॉप कर लूँगी और वॉलनट्स को भी मैं थोड़ा सा काट लूँगी और चिरौंजी को आपको चॉप करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं और जो नारियल है उसको आधा मैंने कद्दूकस कर लिया है और आधा मैंने स्लाइस करके काट के रख लिया है तो अभी हम जो डेट्स हैं उनमें से बीज निकाल लेंगे आप देख सकते हैं डेट्स कितना ज़्यादा फ्लैशी है तो ये ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा बाइंडिंग में हेल्प करता है तो आधा घंटा हो चुका था मैंने ड्राइड फिक्स को निकाल लिया पानी से और इस पानी को हम फेंक देंगे अभी हम क्या करेंगे एक ग्राइंडर जार ले लेंगे इसमें हम ड्राइड फिक्स को अच्छे से पीस लेंगे साथ ही साथ जो हमने डेट्स लिए थे बीज निकाल लीजिएगा उनको भी हम एक साथ ही पीस लेंगे पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा ये अपने आप पिस जाएगा ये देखिए कितना बढ़िया से हो चुका है और थोड़ा सा अगर पीस रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई बिठा दिया था इसमें मैंने एक कड़ची घी डाला और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं अभी लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लूँगी फ्राई इसीलिए करते हैं इसे टेस्ट अच्छा आता है साथ ही साथ इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है अब इनको थोड़ी देर तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से लाल ना हो जाए और बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी इसमें देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ इनको और तुरंत ही हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे कढ़ाई में बिल्कुल मत छोड़िएगा आज बिल्कुल तेज़ मत कीजिएगा जैसे भुन जाए इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब इसको हम एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ वापस से उसी सेम कढ़ाई में एक करची या एक चम्मच आप घी डाल दीजिए और ये जो ड्राइड फिक्स और डेट्स थे इनका जो हमने एक डो बनाया था इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसीलिए मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने पानी डाला था पानी डालकर ही इसको हमने भिगोया था गर्म पानी से हमने इसको भिगोया था सॉफ़्ट करने के लिए तो इसको अच्छे से फ्राई करने से क्या होगा इसके अंदर जितना मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा तो इससे आपका शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगा या तो आप एक काम कर सकते हैं इनको आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं तो भी काफ़ी दिन चलेगा और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है और सबसे अच्छे अच्छे चीज़ पड़े हैं ड्राइट फ्रिक्स पड़ा है इसमें काजू बादाम और चिरौजी अभी बैच बाय बैच मैं इनका पाउडर बना लूँगी और थोड़े से जो है मैं ट्वेंटी परसेंट करीब मैं इसको साबत रख दूँगी तो साबत रखने से क्या होगा ना मुँह में एक जो क्रंच आएगा लड्डू खाते समय बड़ा मज़ा आएगा और आपको पता भी चलेगा कि ये है किस चीज़ का लड्डू अदरवाइज़ आपको टेस्ट में तो ज़रूर पता चलेगा लेकिन थोड़ा सा दिखता है ना तो अच्छा लगता है कि उसमें आपको बादाम दिख रहा है काजू भी दिख रहा है थोड़ा पॉपी सीड्स भी दिख रहा है चिरौंजी दिख रहा है इसीलिए थोड़े से मैंने सबत रख दिए थे साबत मतलब एकदम साबत नहीं मैंने चाकू से काट के छोटे तो कर लिए थे पीसेस तो वैसे आप इनको रख दीजिएगा तो बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है कुछ भी बिना चीनी के और बिना गुड़ के तो लड्डू बनाते वक्त मैं मैं जो दिखा रही थी बनाने के बाद वो फ्रेम के बाहर ही जा रहा था तो इसीलिए फिर मैंने जो पांचवा या छठा लड्डू है वो थोड़ा देख फ्रेम में आ रहा था तो हो जाता है ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना था तो चलिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ ये देखिए कितने ही सॉफ्ट बने थे फ्रिज में रख देंगे तो थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे और बच्चों को चॉकलेट ना देकर ये लड्डू आप डेली एक एक दे सकते हैं ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ब्रेन डेवलपमेंट हो या उनका ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो आज क्योंकि गणेश चतुर्थी था तो सबसे पहले मैं भोग बप्पा को लगाऊंगी उसके बाद ही हम इसको ग्रहण करेंगे तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इन लड्डू को बनाने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपना फ़ीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो